Welcome to Nai Subah's exciting world of stories. Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nai Subah, narrated by Hajra Saleem. भारत के गांव फिंगर की रिहायशी 16 साला प्रियंका देवी उस दिन जब जंगल में मामूल के मुताबिक लकड़ियां काटने गई तो उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उसे झाड़ियों के पीछे छुपी देख रही हूँ। मैं बड़ी चालाकी से दबे पांव उसके करीब पहुँची और उसे बिना मोहलत दिए मैंने पलक झपकते ही उसकी जान ले ली। न किसी ने मुझे देखा और ना किसी ने प्रियंका की आखिरी चीख सुनी। मौके वारदात पर मैंने अपने पीछे सिर्फ एक निशान छोड़ा था, पत्तों पर प्रियंका के खून के कतरे। मुझे मेरा पहला शिकार आज भी याद है। ये 1903 नेपाल के गांव रूपल की बात है, जब मैं एक देहाती को घसीटकर जंगल की तरफ ले गई थी। उसकी उधड़ी हुई लाश को देखकर गाँव वाले ये समझे कि ये काम किसी खूंखार आदमखोर का है, शायद वहशी दरिंदों का कोई झुंड है जिसने मिलकर उस निहत्ते इंसान पर हमला किया और उसे चीर फाड़ कर खा गए। लेकिन वो नादान क्या जाने कि मैं अकेली सब पर भारी थी। बंगाल की खूंखार शेरनी। लोग मुझे प्यार से या शायद खौफ से चंपावत टाइगर कहते हैं। नेपाल में एक के बाद एक दर्जनों लोगों को अपना नाश्ता बनाने के बाद मुझे इंसानों का शिकार करने की आदत हो गई थी। अब गांव का बच्चा बच्चा मेरे नाम से थर थर कांपता था। मेरी दहशत के चलते हुकूमत ने मेरे सर पर एक मोटी रकम इनाम के तौर पर ऐलान कर दी थी। इस लालच में बहुत से पेशावर शिकारियों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर मैं किसी के हाथ नहीं आई। कुछ लोगों को मूंकी खानी पड़ी और बाकियों को मैं खा गई। कुछ सालों के अंदर अंदर मैं नेपाल में यही कुछ 200 लोगों को हलाक कर चुकी थी। आखिरी हरबे के तौर पर हुकूमत ने फौज को बुलाया। 10,000 फौजियों की गोलियां मेरा बाल भी बीका न कर सकी, पर तब तक मेरा दिल नेपाल से भर चुका था, इसलिए मैं सरहद पार करके भारत आ गई। वहां जाकर मैं कमाउन इलाके में आबाद हुई और मैंने चंपावत के आसपास अपने हमले जारी रखे। मेरा नाम भी इसी इलाके की निस्बत पड़ गया था। मैं दिन दहाड़े शिकार करती थी और रात को कुछ देर आराम करने के बाद किसी दूसरे इलाके की तरफ रवाना हो जाती थी। इसी वजह से मैं हमेशा शिकारियों से एक कदम आगे रहती थी। देखते ही देखते मैंने यहाँ भी 200 से ज्यादा जानें छीन ली। मकामी लोगों ने मेरे खौफ के मारे अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था और समाजी जिंदगी ठप हो गई थी। फिर एक रोज भारत में एक आला दर्जे पर फाइज बरतानवी अफसर ने अपने दोस्त जिम कॉर्बेट से मदद मांगी। जिम कोई पेशावर शिकारी नहीं था और उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी जानवर का शिकार नहीं किया था। वो तो एक फितरत पसंद ट्रैकर और नेचुरलिस्ट था जिसे जंगली हयात के बारे में खासा इल्म था। उसने अपने दोस्त के कहने पर मुझे मार गिराने का खतरनाक चैलेंज कबूल तो कर लिया था, लेकिन उसकी 2 शराइत थीं। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।